23 सितंबर 1917 संकल्प दिवस। ये घटना 23 सितंबर बड़ौदा स्टेट की, यानी जो सयाजीराव गायकवाड़ वहाँ के दरदरेज थे, उस समय की है। 12 लठैत लोग हाथ में लाठियां लेके धनादन धनादन एक कमरे की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। एक सराय है, एक होटल है, एक इन है, जहां उनका टारगेट एक ऐसा आदमी है जो उस रियासत का सचिव के हैसियत से काम करता है। सचिव एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जैसे आज की डेट में आप समझ लें कि डिफेंस सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी, ठीक ऐसे ही स्टेट का सेक्रेटरी रैंक का आदमी। अमेरिका से इंग्लैंड से रिटर्न, वो आदमी जाके उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं और सामने देखते हैं कि एक सूटेड वूटेड नौजवान लगभग 25-26 साल का खड़ा हुआ है। चेहरे पर एजुकेशन की छाप गर्व अलग दिखाई देता है। वो सारे लोग आंखों में नफरत और गुस्सा लेके जहर भरकर उसको कहते हैं कि वो सराय को छोड़ दे, होटल को छोड़ दे। ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि मैं एक हफ्ते में छोड़ दूंगा, आप मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। मगर वो लोग नफरत से इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, गुस्से से इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि सिर्फ शाम तक की मोहलत देते हैं। उस व्यक्ति के लिए शाम तक की मोहलत और उसमें इंतजाम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 12 सितंबर को 1917 को वो व्यक्ति ज्वाइन करता है जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। 11 सितंबर 2017 को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पे एक भी व्यक्ति उसको लेने के लिए नहीं आता, जबकि वो सेक्रेटरी रैंक का अफसर है उस स्टेट का। कहीं कोई मकान किराए पर नहीं मिलता किसी भी जगह। अंत में ये सराय मिलती है। इस सराय में वो लगभग 11 दिन बहुत महंगे दामों पर 1.5 रुपये रोज खाना और रहना, और वो भी कमरा स्टोर रूम, प्रॉपर कमरा नहीं, स्टोर रूम में भी इतनी जगह कि सिर्फ लेट सके। बाकी वहाँ पुराना फर्नीचर, चूहे, चमगादड़, कॉकरोच, ये सब वहाँ आना जाना और धूल भरी हुई अलग। ये 1.5 रुपये रोज बहुत महंगा किराया होता है, क्योंकि तनख्वाह उस समय सचिव लेवल के आदमी की 150 रुपये थी, लगभग 45 रुपये महीने खाना और रहना। फिर भी मंजूर किया क्योंकि कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। उस पर भी जो लोग आए उन्होंने आके धमकाया, गाली गलौज की। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको देखा, समझा। उसके बाद उनके साथ जो पड़े हुए लोग थे, क्योंकि बड़ौदा के जो नरेश थे उन्होंने काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप दी थी, उनमें से 2 लोग बाबा साहब के साथ पड़े हुए वहाँ भी थे, उनको कहा कि आप कहीं रहने का इंतजाम कराएं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। दीवान को कहा कि दीवान मेरे रहने का इंतजाम कीजिए, मुझे सरकारी क्वार्टर दिलाइए, दीवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। जो बड़ौदा नरेश थे उन्होंने भी अपनी मजबूरी दिखा दी, क्योंकि वो उस लिमिट से जागे जाके मदद नहीं कर सकते थे। पहले ही उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रांति की कि जो हजारों साल पुरानी परंपरा थी उसे तोड़ के उन्होंने स्कॉलरशिप दी, पढ़ाया और उसके बाद नौकरी भी दी। मगर एक साथ चीज़ें नहीं बदलती, ये बात सब जानते हैं, और बड़ौदा के नरेश तो बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन और बुद्धिमान व्यक्ति रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को अब मुंबई का रास्ता दिखाई देने लगा। उन्होंने बड़ौदा के नरेश से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ऋण मुक्त कर दें, क्योंकि बड़ौदा के नरेश ने जो 11.5 पौंड पर महीने की 3 साल तक जो स्कॉलरशिप दी, उसके साथ में करार और एक बॉन्ड भी था कि बाबा साहब अम्बेडकर को 10 साल तक बड़ौदा स्टेट में नौकरी करनी होगी तनख्वाह के साथ। जब देखा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने कि बात नहीं बन पाएगी, नौकरी नहीं हो पाएगी, तो बड़ौदा नरेश ने उनको ऋणमुक्त कर दिया। मुंबई की ट्रेन में, बम्बई की ट्रेन में अभी काफ़ी समय था, 9 बजे की ट्रेन थी, 4 घंटे का समय उनके पास था। खामाटी बाग में वो जाके बैठे एक बरगद की पेड़ के नीचे, और सारा जितना भी मान अपमान ईर्ष्या थी उसको उन्होंने रिवाइंड किया, याद किया। जो लोग ताकतवर होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, वो सारी निगेटिव एनर्जी का, सारे अपमान का, सारी ईर्ष्या का, सारे जलन का, सारे कटु व्यवहार का, सारे गली गलौज का
जो भी उन्हें जीवन में मिलता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको इकट्ठा करके उसकी पूंजी बना लेते हैं और उस पूंजी को उल्टा घुमा देते हैं। उसमें जो ताकत है उस ताकत को निकाल लेते हैं और बाकी कचरे को फेंक देते हैं। उस ताकत को अच्छी चीज़ में लगाते हैं और सिस्टम में लगा के उसमें ऊर्जा बना के सूरज की तरह चमकते हैं और हजारों लोगों का भला करते हैं। वो कभी डिप्रेशन में नहीं आते, वो परेशान नहीं होते। बारह लठैत आए, बाबा साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने खूब सारा कहा, दुनिया ने खूब उनको कहा, अपमान दिया, ऑफिस में अपमान दिया, ना वो डिप्रेशन में आए ना वो अवसाद में आए। एक क्षण के लिए कहीं कमज़ोर हुए होंगे मगर अगले क्षण वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने दुनिया देखी, दुनिया को जाना, इसलिए उन्होंने सारी जितनी भी कड़वाहट थी उसका एक पॉजिटिव चीज़ बनाई और वो किताबों में और एजुकेशन में लग गए। और उन्होंने उस पार्क में अपने आप से एक कमिटमेंट की, एक रेजोल्यूशन किया, एक उन्होंने वहाँ डिटर्मिनेशन की, एक संकल्प किया, एक अधिष्ठान किया, इसीलिए इसको संकल्प दिवस बोलते हैं। उन्होंने अधिष्ठान किया कि अब मैं समाज के सभी लोगों के लिए वो काम करूँगा जिससे कि भारत आगे बढ़ सके और जो दबे पिछले कुचले लोग हैं सारे भारत में उनका उत्थान हो सके, उसके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। और जीते जी उन्होंने उसको पूरा भी किया। ऐसे अधिष्ठान बहुत लोगों ने, सफल लोगों ने किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो अधिष्ठान है वो भगवान बुद्ध ने किया, जिसको अधिष्ठानों का अधिष्ठान बोलते हैं, दृढ़ अधिष्ठान बोलते हैं, महाअधिष्ठान बोलते हैं। क्या अधिष्ठान था, क्या अधिष्ठान था कि मैं जब तक अपने आसन से नहीं हिलूंगा ना मैं उठूंगा जब तक मैं ये ना पता कर लूं कि जीवन कैसे काम करता है, जो जीवन का चक्र है वो कैसे काम करता है, दुख कैसे आता है कैसे जाता है, ये कैसे काम करता है। यानी ह्यूमन के सॉफ्टवेयर में और ह्यूमन के हार्डवेयर में दुख कैसे आता है कैसे जाता है। चाहे मेरी हड्डी टूट जाए, चाहे मेरा मांस खत्म हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, और अनंत वो सफल हुए, दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन के चक्र को देखा, आंखों से खोजा और दुनिया को बताया। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने बारात में पिटने के बाद में एक अधिष्ठान किया कि मैं महिलाओं को पढ़ाऊंगा, औरतों को पढ़ाऊंगा, सबको शिक्षा दूंगा, और उन्होंने महिलाओं के स्कूल खोले, अपनी वाइफ को पढ़ाया। दुनिया ने कितने सारे षड्यंत्र किए मगर वो नहीं टस्सेमस हुए। उनकी शिक्षा की जो ऊर्जा थी वो बाबा साहब तक भी पहुँची और बाबा साहब इस ऊर्जा से दुनिया में सूरज को स्थापित कर पाए। सम्राट अशोक ने अधिष्ठान किया कि मैं अब अपने लोगों पे कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा। उन्होंने तलवार कभी रखी नहीं। ऐसी कहानी सुनाई जाती है कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दी और उन्होंने तलवार रखी तो हम गुलाम हो गए। सम्राट अशोक के रहते हम गुलाम नहीं हुए। सम्राट अशोक के जो बेटे थे उनके रहते गुलाम नहीं हुए। उनके जो पोते थे तब तक भी हम गुलाम नहीं थे। गुलाम जो हुए हम भीतर घास से हुए। बाहर की जो सेनाएं थीं वो तैनात थीं अशोक के समय में। सम्राट अशोक ने बाहर अपनी सेनाएं कभी नहीं हटाई, इसलिए सम्राट अशोक के समय में कोई बाहरी आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। और सब सेनाएं सुरक्षित थीं। हथियार बाहर वालों के लिए था, घर वालों के लिए कोई हथियार नहीं। उन्होंने हथियार अपने जो लोग थे भारत के उनके लिए रखे। जब कलिंगा का युद्ध हुआ देखा कि मैं अपने ही लोगों को मार रहा हूँ। ऐसा ही अधिष्ठान काशीराम जी ने किया जिससे वो मान्यवर बने। उन्होंने प्रण किया कि वो घर नहीं जाएंगे, अब नौकरी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे और समाज में काम करेंगे, उसके रिजल्ट आए। ऐसे अधिष्ठान बहुत लोग करते हैं और वहाँ जाके बहुत सारे लोग, बड़ोदरा में जो कामाठी बाग है उसमें बहुत सारे संकल्प लोग करते हैं। आप भी जाके वहाँ कोई ना कोई संकल्प कीजिए। ये कितने कमाल की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है उसको 12 जो पारसी जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ शरणार्थी हैं जिन्होंने यहाँ शरण ली हुई है जो रिफ्यूजी हैं वो आके धमकाते हैं। ये विद्या जाने से, एजुकेशन जाने से, समझ जाने से पता चलता है। मगर बाबा साहब को ये पता था कि ये भारत के लोग नहीं हैं क्योंकि बाबा साहब ने तो पूरी दुनिया का हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई थी, इसलिए उनके सामने किसी की चलती नहीं थी। अब तो हजारों ऐसे लोग हो गए हैं जो जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जीवन के स्तर को बहुत ऊंचा उठा दिया है। आप बड़ौदा जाइए, वहाँ जाके बड़ौदा का पैलेस देखिए जहाँ बाबा साहब ने नौकरी की, वो जगह देखिए। एक संकल्प कीजिए अच्छा सा जिससे भारत आगे बढ़ सके, सारे लोग पढ़ सकें, दुनिया आगे बढ़ सके, बाबा साहब का सपना पूरा हो सके और भारत एक बार फिर विश्व विजेता और विश्व शक्ति बन सके। क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं इंडिया तो इंडिया बढ़ेगा नहीं। अगर बाबा साहब पढ़ते नहीं तो इतने सारे लोग जो आज पढ़े हुए हैं वो अनपढ़ ही रह जाते। इसलिए ये सारे लोग पढ़ेंगे
तो ठान करेंगे तो और लोगों को पढ़ाएंगे, शिक्षा आगे फैलाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जितनी भी जीतें जीती हैं, जितने भी युद्ध जीते हैं, वो शिक्षा से जीते हैं। उन्होंने कभी हिंसा ना करने के लिए कहा, ना हिंसा के लिए उन्होंने कहा। हिंसा का रास्ता सबसे घटिया रास्ता है। हिंसा से हमेशा दूसरे को फ़ायदा होता है। जैसे जब हिंसा होती थी तो अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था और वो लोगों को मार देते थे हिंसा के नाम पर, और जिन लोगों ने हिंसा नहीं की वो लोग जीत गए और सत्ता उनके पास चली गई और वही राजा बने। इसलिए हिंसा रास्ता नहीं है, ये बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है। रास्ता हमारा किताब है, रास्ता हमारा कमल है। यही संकल्प बाबा साहब ने जो कामाठी पार्क है उसमें लिया। बाबा साहब ने उन 12 लोगों से एक भी शब्द हिंसा का नहीं बोला, और आज बाबा साहब की स्टैचू से भी लोग घबराते हैं। यानी बाबा साहब के विचार और बाबा साहब के सिद्धांत इतने पावरफुल हैं कि उनकी स्टैचू भी अगर रास्ते में दिखाई देती है तो जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं, जो अनजान लोग हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं। तो शिक्षाएं इतनी पावरफुल होती हैं, इसलिए आप अपनी शिक्षा को बढ़ाइए और संकल्प लीजिए। धन्यवाद।